हेलो फ्रेंड्स, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं दिल्ली से पटियाला तक, जो कि पंजाब का एक खूबसूरत शहर है। क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से जाने के लिए जो है वो मॉर्निंग 4:30 बजे की, तो इसलिए हम कालका शताब्दी से अम्बाला तक का सफ़र तय करने में ये ट्रेन 7:40 पर दिल्ली से चलेगी और 10:30 बजे हमें अम्बाला इसके लेफ्ट में जो ट्रेन खड़ी है वो अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है। इसकी टाइमिंग 7:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अभी जो इंजन इस ट्रेन को लेके आ रहा है ये सिर्फ ट्रेन को यहाँ ला के यहाँ पर दूसरा इंजन चेंज होगा, जिसकी एक वीडियो अलग से भी है, आप देख सकते हैं। ये ट्रेन का इंजन डीजल इंजन है, इसे पुल करते हुए लेके आते हैं। इलाहाबाद से आने वाली अपने निर्धारित समय सामने खड़ी है 6:15 से 1 घंटे की देरी से नई दिल्ली एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसा कि आप देख सकते हैं ये WDS6 डीजल इंजन है। कालका शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया कानपुर सेंट्रल के रास्ते हावड़ा से आने वाली अपने निर्धारित समय 6:05 से 2 घंटे की देरी से आई है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, 1 2 3 8 1 पूर्णा एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा वाया गया कानपुर सेंट्रल इज रिपोर्टेड रनिंग लेट बाय 2 आवर्स फ्रॉम इट्स शेड्यूल्ड टाइम 6 आवर्स। इस वक्त हमारे सामने खड़ी है चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। यहाँ कालका शताब्दी हमारा कोच हमारे सामने भी कालका शताब्दी खड़ी है। कालका शताब्दी के सामने कालका शताब्दी ब्रेकफास्ट में मिला था हॉमलेट विद फिंगर चिप्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, सॉस, जैम, बटर और ये हैंड सैनिटाइजर और ये हम आ गए हैं अम्बाला। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही सामने बस स्टैंड है अम्बाला का। ये अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन है और हम निकल गए हैं पटियाला के सफर के। ये है पहुंच के पटियाला, पटियाला बस स्टैंड। यहाँ से आपको हर जगह की बस मिल जाएगी, दिल्ली हो चाहे पंजाब का कोई भी स्टेट हो, सिटी हो सॉरी। सबसे ज़्यादा बसें यहाँ पे लुधियाना और जलंधर की हैं। ये बस अड्डे के बाहर का सीन, और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ।
$5. Turn right onto Namdur Khan Road. स्टेशन से होटल जाते हैं उसका रास्ता Namdur Khan Road. In 300 meters, at the roundabout, take the first exit. रेलवे लाइन है जो पटियाला स्टेशन से आगे गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी ये बस अड्डे से काफी पास है ये हम आए हैं राजा के महल में ये वहाँ का पुराना लक्ष्मण झूला ये अगले दिन से यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था उसकी तैयारी हो रही है यहाँ पे थाईलैंड अफ्रीका नाइजीरिया और कई स्टेट्स एंड कई कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि दिल्ली में प्रगति मैदान होता है उसका ये छोटा लेवल ही समझ रहे थे इस वक्त हम पहुंचे थे तो ये बंद होने वाला था इसलिए हमारे पास टाइम कम था ये है इस महल के बाहर की तस्वीर यह है काली माता का मंदिर पटियाला का फेमस बहुत ही खूबसूरत बना रखा है ये मंदिर ये मंदिर की एंट्री ये है पटियाला शाही लस्सी यहाँ पे आपको कई फ्लेवर की लस्सी मिलेगी हमने पान और एक मिक्स फ्रूट फ्लेवर की लस्सी ली थी बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी ये है पटियाला का स्क्वायर ये रात का समय है इसलिए सभी मार्केट सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं यहाँ आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी चाहे कपड़े की हो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो ये बाहर मेन रोड का एरिया है जग्गी स्वीट्स के सामने ही हमारा होटल था जग्गी स्वीट्स के पास जो फ्लाईओवर है वो एरिया है
ये आखिरी बार जाते हुए।